आप निज़ामपुर आए हैं आज। ये दिल्ली का एक ग्रामीण गांव है, जो दिल्ली में बहुत कम बचे हैं ग्रामीण गांव। यहाँ पे सरकार की कोई नीति नहीं आई, इतने दशक बीत चुके हैं अब तक। कोविड-19 में सैकड़ों नए हॉस्पिटल बन गए इंडिया गवर्नमेंट के अंडर। दिल्ली में भी, हरियाणा में, हर स्टेट में नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। कोई आर्मी बना रही है, कोई फोर्सेस बना रही है, लेकिन हमारे गांव का ये हॉस्पिटल जो 5 साल से इनोग्रेट हो गए भी बंद पड़ा है, 5-7 साल से ये चालू नहीं हुआ। कोरोना में भी कोई प्रेगनेंसी है या कुछ भी है, कोई सुविधा नहीं। पहले सुविधा के लिए खोला था ये हॉस्पिटल बड़ा, उसमें चेंज करने के लिए बोल रहे थे। ये घर में डिस्पेंसरी खोल रखी है यहाँ पे, इसका ये मन मर्जी का सौदा बना रखा है सब कुछ। चीज़ें होती, सब कुछ सिचुएशंस अच्छी होती, वो हेल्पलाइन नंबर कॉल किया, उन्होंने हेल्प की होती तो शायद आज मम्मा ठीक होती, यहाँ पे होती हमारे साथ। देश की अकेली एक कहने को राजधानी है, पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे गांव किसी दूसरे राज्य, हम चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या झारखंड, वहाँ के जो रिमोट या फिर पिछड़े गांव कहेंगे, उनकी गिनती में आते हैं। क्योंकि मूलभूत सुविधा के लिए दिल्ली के गांव को भी परेशानी है और देश के बाकी राज्य वहाँ भी परेशानी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे पीछे, जो चैलेंज करते हैं, कभी खट्टर साहब को करते हैं, कभी यूपी में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह साहब को लखनऊ भेजते हैं वहाँ के स्वास्थ्य उसको जांच करने के लिए। खुद का अपना देख ले, आज ये चैलेंज है उनको। मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट है, इसकी भी हमारे गांव की भी कुछ सुध लो। देश के आखिरी गांव में तो आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन जांच केंद्र की बात की, लेकिन अपने ही दिल्ली के निज़ामपुर गाँव में उनके मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात हैं इसको वो कभी देखने भी नहीं आए। इसलिए दवायर की टीम ने इस गांव का दौरा किया और यहां के लोगों से बात की, उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करी कि उन्होंने सेकंड वेव में कैसे अपनी ज़िंदगी को निकाला और क्या वो थर्ड वेव के लिए तैयार हैं। तो मैं आप सबसे पहले तो ये विजिट मोहल्ला क्लिनिक का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका पहले तो वे अफसर बताएं उन्होंने क्या सर्वे किया यहाँ बनाने के लिए। यहाँ से हमारा गाँव 0.5 किलोमीटर दूर है और ये खेतों में बीच में इन्होंने रोड पर ये बना दिया है। यहाँ कौन दवाई लेने आएगा, कोई आए भी तो इसका हाल देख लो। इसमें पूरा पैसा लगाया है, पूरा बजट किया और एक दिन उद्घाटन करने के लिए सत्येंद्र जैन जी खुद आए थे यहाँ पे। उद्घाटन को करीब 1.5-2 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ है और तब से कोई भी इसमें कोई स्टाफ नहीं आया। गांव में ज़मीन थी हमारी सरकारी जो गाँव सभा की, 88 एकड़ ज़मीन है, तो गाँव में भी थी हमारे, वहाँ गाँव में ही क्यों नहीं बनाए उसके, बिल्कुल स्टाक है गाँव में। कोविड-19 में सैकड़ों नए हॉस्पिटल बन गए इंडिया गवर्नमेंट के अंडर। दिल्ली में भी, हरियाणा में, हर स्टेट में नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। कोई आर्मी बना रही है, कोई फोर्सेस बना रही है, लेकिन हमारे गांव का ये हॉस्पिटल जो 5 साल से इनोग्रेट हो गए भी बंद पड़ा है, 5-7 साल से ये चालू नहीं हुआ। कोरोना में भी, कोरोना की वेव तीसरी भी आ सकती है तो लोगों को क्या सोल्यूशन है इसका? यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वारंटीन सेंटर बना दो, एक दो डॉक्टर बैठा दो ताकि गाँव के वालों को बाहर ना जाना पड़े। टेस्ट कराने के लिए हमें कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। 10 किलोमीटर दूर लॉकडाउन में, हम 10 किलोमीटर दूर जाए, रास्ते में 4 नाके आएंगे पुलिस के, वो हमसे पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसके बावजूद हमें बाहर जाना पड़ता टेस्ट कराने के लिए। जबकि हमारे गाँव में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने के बाद भी कोई फैसिलिटी, कोई स्टाफ वगैरह है नहीं। आसपास भी होता है लेकिन वो क्या करते हैं कि टोकन लगाते हैं, 8-10 आदमी का चेक करते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, कह रहे डॉक्टर चला जाएगा। दवायर ने निज़ामपुर गांव के आंचल से बात की, जिन्होंने ख़राब मेडिकल सुविधा के चलते अपनी मां को खो दिया। 2 बजे के आसपास हमारा हॉस्पिटल अरेंज हुआ था, संजय गांधी में एक बेड अरेंज हुआ था, बट कुछ टाइम लेट हुए थे हम, 5-10 मिनट लेट हुए थे, वो बेड भी अरेंज नहीं हो पाया, वो किसी और को मिल गया था। तो वहाँ पर कोविड टेस्ट करा के लेके आ गए घर पर, फिर ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया बहुत दूर से, फिर नेक्स्ट डे एकदम से वो सिलेंडर ख़त्म हो गया। हमने इतने फ़ोन किए, पुलिस स्टेशन में भी किए, एम्बुलेंस में भी किए, हेल्पलाइन नंबर भी, हर चीज़ पे फ़ोन किया, 100 से ज़्यादा फ़ोन मिला चुके थे, कोई भी रिस्पांस नहीं आया, कोई भी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी आँख भी नहीं खुल रही थी। फिर कहीं से रिलेटिव ने, मेरे मामा जी ने वो हॉस्पिटल बताया, यहाँ से 2.5 घंटे दूर है चरखी दादरी, वहाँ लेके गए, वहाँ पे थोड़ी हालत ठीक हुई थी, बट फिर वो रात को तबीयत खराब हो गई, आईसीयू में एडमिट हुई, 3 दिन आईसीयू में रही थी, फिर लास्ट डे वो डेथ हो गई उनकी। और फिर वो गांव के आसपास हमारी काफ़ी ज़मीन है गांव सभा की, बहुत ज़्यादा, दिल्ली में शायद सबसे ज़्यादा हमारे गांव में गांव सभा की ज़मीन है।
उसमें आप देखोगे कहीं प्राइमरी स्कूल बना है, कहीं एमसीडी का जच्चा बच्चा केंद्र, कहीं कम्युनिटी हॉल बन के चले गए, लेकिन उसके बाद में कोई सुविधा नहीं है, वो सारे टूटे हुए हैं। हमारी संस्था है सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरनमेंट, जिसने एक अभियान चलाया है दिल्ली के गाँव के लिए। हम हर गाँव की जो ज़मीनी स्तर है, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं और जो सरकारी महकमे के खुद के कागज़ हैं, उनको देख के गाँव के नक्शे तैयार कर रहे हैं टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल करके, ताकि गांव वाले अपनी अपने गांव के नक्शे के थ्रू अपने गांव को समझें और अपनी ज़मीनों का अच्छा मुआयना देखें किस तरीके से उनका गांव बसा हुआ है और आने वाले समय में क्या मुसीबतें हैं जो झेलेंगे। गांव में एक डिस्पेंसरी है, ये भी चार सुबह 10 बजे डॉक्टर आते हैं, 10 बजे से 2 बजे तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। एक ये नया हॉस्पिटल खुला था, ये भी बंद रहता है, इसमें कोई डॉक्टर ही नहीं आते। अब यहाँ पर और कोई सुविधा है नहीं कि भाई कहाँ कोई प्रेगनेंसी है या कुछ भी है, कोई सुविधा नहीं। अपना जल बोर्ड की गाड़ी आती है, वो भी अपना हफ्ते में एक बार आती है, हफ्ते में एक बार गांव में पानी आता है। हाँ, हफ्ते में एक बार गाड़ी आती है, उससे अपना भरते हैं। हफ्ते में एक बार आप पानी, और अगर पूरा हफ्ता खत्म होने से पहले अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या करते हैं? नहीं आता, अपना अगल बगल में जैसे आते हैं तो उसी से काम चला लेते हैं। यहाँ पे 10 दिन के लिए ड्रामा बनाया था कि हाँ टीके लगेंगे, वो लगेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। 10 दिन के लिए तो यहाँ पे भीड़ लगी रही, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो पानी की समस्या आ रही है और नाली आ गई, देख लो नाली की है। हाथ ध्यान पानी आओ, हाथ ध्यान ले आऊँगा पानी आओ, अच्छा बता, हाथ धोगे कपड़े धोएंगे, ये बात दा प्रेशर छोड़े पानी का, ये गली में आधा प्रेशर है वो पानी का, इधर तक पानी नहीं जाता लास्ट तक। वे टंकी उठा के बाजे बाजे अंडे जा है, जैसे मटका है, मटका ले आओ है, मटके पानी ढो है, कोई कहीं से लाओ, कोई कहीं से लाओ है। मदद करो भाई, दूसरा अस्पताल खुल जा तो जनसंख्या में भी आराम मिलेगा, बीमारी ने भी मिलेगा। अगर भाई ये करे तो उसने भाई सरकार ने को मदद करा, तबीयत खराब हो जा, महिला जा जो लेडीज डॉक्टर आ जा तो उसका समस्या बतानी पड़ जा है। तो भाई अस्पताल खोलना चाहिए। गांव में लेडीज डॉक्टर है नहीं है? अच्छा ये बताओ, जैसे थर्ड वेव आने वाली है और उसमें कह रहे हैं बच्चों को खतरा है, उसके लिए गांव में क्या तैयारी है आपने कुछ? अभी कोई तैयारी नहीं ना भाई, कोई तैयारी नहीं है गांव में, कोई तैयारी नहीं है भैया। ये गांव के पास में था ना, गांव के अंदर था इतना तो। अभी कोई बच्चा की बीमारी बताते हैं, अभी कोई सावधानी नहीं है, कोई सुले जाओ ये नहीं है, अगर भाई ये काम है ये नहीं है, उसमें क्या क्या करेंगे? वो तो भाई छोटा सा अस्पताल है, मतलब मदद बहुत हो रही है पर इतनी मदद नहीं हो रही भाई। जैसे पेंशनरों की दवाइयाँ आती हैं उनमें बड़ी दिक्कत होती है, उनमें लोगों को इतनी परेशानी होती है कि करीब करीब हफ्ता 10 दिन 12 दिन ये लोग लगा देते हैं दवाई, कहते हैं पीछे से नहीं आएंगी तो हम नहीं दे सकते, आएंगी तो हम बता दें। मतलब दवाएं तक आपके पास नहीं पहुंच पा रही? पहुंच नहीं पा रही, टाइम से नहीं पहुंच पा रही, और बाकी पूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही। अच्छा, हाँ तो उससे हमें थोड़ी परेशानी, जैसे मल्टीविटामिन दवाई नहीं मंगवा रही, विटामिन की दवाई नहीं मंगवा रही, कैल्शियम की नहीं मंगवा रही, उनको नेगलेक्ट कर देती हूँ। शुगर की दवाई मंगाते हैं, जो मैं मंगाना चाहती हूँ जो मेरे डॉक्टर लिख के देते हैं वो नहीं आती। सोमवार को अपना आदमी भेज करके वहाँ उस मोहल्ला क्लिनिक का एक बार अपने आदमी से दिखलाऊंगा कि भाई वहाँ क्या कमी है और किस चीज की जरूरत है और क्या वहाँ तोड़फोड़ हो रखी है, और भाई हाँ तो उसको एक बार दिखवा लेता हूँ खुद एक भी अपनी नजर में, तो उसके बाद बताऊंगा भाई मैं आपको। वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।